जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के हिराता गांव में एक पैंथर ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई। महिला अपने घर के पास झाड़ियां काट रही थी, वहीं पैंथर झाड़ियों में छिपा हुआ था। अचानक से उस दौरान महिला के ऊपर हमला कर दिया पैंथर ने। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पड़ोसियों के मुताबिक हिराता गांव की रहने वाली 42 वर्षीय शारदा के घर में, क्योंकि जिस तरीके से झाड़ियों के काटने का काम चल रहा था, इस दौरान अचानक एक पैंथर झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ गया और महिला पर हमला कर दिया। पैंथर के इस हमले में महिला घायल हो गई है। वहीं महिला के चिल्लाने पर पैंथर वहां से भाग गया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर महिला को भर्ती कराया गया। ये बकरी है, तो बकरी के पाला लेने के लिए घर के पीछे बैठे, वो पाला तोड़ दे तो उसके से सामने हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो हमला किया तो उसने चिल्लाए जोर जोर से, तो पास में खेत में रखवाली हमारे साथी हैं, कचरा करने वाले, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, तो फिर हम सब पड़ोसी दौड़े। दौड़ने के बाद में शेर वहाँ से भाग निकला और महिला पड़ी हुई थी। फिर हम पड़ोसी दौड़ के गए, उनको यहाँ समझ में घर पर लाए। उसके बाद में हम फोन किया, उसके बाद में उनको हॉस्पिटल आए।